हे हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो फाइनली हमारा जो ऐप है वो केमिस्ट्री एंड टोल्ड नाम से गूगल प्ले स्टोर पे लाइव हो गया है। अगर आप लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज़ आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, एंड ये लोगो है और इस नाम से आपको अवेलेबल हो जाएगा। नाउ पहला जो हमारा कोर्स है वो हमारे ऐप पे लाइव हो गया है, एंड फाइनली अब ऐसा एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं अपने तरीके से अपने हिसाब से अपने कोर्सेज बना के आप लोगों के लिए ला सकता हूँ। तो जो फर्स्ट कोर्स हमने लॉन्च किया है दैट्स ऑल अबाउट सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। तो सॉलिड स्टेट के तीन कोर्सेज हमने लॉन्च कर दिए हैं। सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हमने तीन कोर्सेज लॉन्च किए हैं, तीन अलग अलग नाम से लॉन्च किए हैं। तो जो सबसे पहला कोर्स हमने लॉन्च किया है वो है IIT JEE के नाम से, दैट्स अ सॉलिड स्टेट फॉर IIT JEE। सेकेंड कोर्स है जो कि सॉलिड स्टेट फॉर नीट के स्टूडेंट्स के लिए, एंड द थर्ड कोर्स इज सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस। अब ये सब क्या है मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। देखिए हमारे पास जो IIT JEE के लिए जो कोर्स है ये कोर्स स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। ये दिमाग में रखें कि जो बच्चे IIT JEE की तैयारी करते हैं उनके लिए NCERT तो इम्पोर्टेंट होती ही होती है, क्योंकि उन्हें NCERT से पढ़ना होता है। बट NCERT सिर्फ पढ़ाई करके आप IIT JEE का पेपर नहीं दे सकते, आपको NCERT के अलावा भी कुछ और पढ़ना होता है। तो मैंने ये जो कोर्स डिज़ाइन किया है कम्प्लीट कोर्स है। इस कम्प्लीट कोर्स का मतलब है यहाँ पे टॉपिक्स को सिर्फ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स ही नहीं बताया जाएगा, हर एक टॉपिक के पीछे का लॉजिक रीजनिंग आपको इवन डेरिवेशंस करवाए जाएंगे, कहाँ से आया कैसे आया, पिक्चर्स के साथ, इमेजिनेशंस के साथ, GIFs के साथ आपको सब करवाया जाएगा। तो ये कोर्स स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया है जो कि IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं। बहुत रीजनेबल प्राइस मैंने रखने की कोशिश करी, दैट इज़ 199 रुपीज़ में रखा है। ये 199 रुपीज़ में आपको मिलेगा। और अगर आपका सॉलिड स्टेट पढ़ के हो गया है, आपको लगता है कि नहीं मुझे सॉलिड स्टेट बहुत अच्छे से आता है, तो आपको इस कोर्स को खरीदने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे सॉलिड स्टेट पढ़ना है, मुझे देखना है, तो आप इस कोर्स को देख सकते हो। आप मेरे ऐप को डाउनलोड करोगे, उसमें जाने के बाद जब आप स्टोर पे जाओगे तो आपको IIT JEE का ये कोर्स मिलेगा। कोर्स को ओपन कीजिएगा और ओपन करने के बाद आप देख लीजिएगा उसके अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। यहाँ पे दो फ्री वीडियो आपको मिलेंगे, दो फ्री वीडियोज़ आपके लिए फ्री हैं, आप जाइए उनको देखिए। अगर आपको अच्छा लगे और आपको लगे कि हाँ इस कोर्स से मुझे बहुत बेनिफिट हो सकता है, तो ही आप इस कोर्स को खरीदिएगा। एंड ट्रस्ट मी, पिछले 9 साल से मैं टीचिंग कर रहा हूँ। मैंने यूट्यूब पे मैं BSc MSc पढ़ाता हूँ, मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे BSc MSc पढ़ाता हूँ, पर मुंबई में मैं पिछले 9 साल से IIT JEE नीट को पढ़ा रहा हूँ, और मेरे 9 साल के एक्सपीरियंस को मैंने पूरा निचोड़ कर इस कोर्स में डाल के रख दिया। जो नेक्स्ट कोर्स है हमारे पास वो जो कोर्स है उसको हम कहते हैं नीट के लिए। अब देखिए नीट का जो सिलेबस है वो काफ़ी लिमिटेड है IIT JEE के जितना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत डिफरेंस है, हार्डली 2-4 टॉपिक का फ़र्क है। IIT JEE मेंस का जो बच्चा तैयारी करता है और जो नीट की तैयारी करता है, बहुत बार क्वेश्चंस देखोगे जो कॉमन आते हैं, ठीक है। तो जो नीट का कोर्स मैंने बनाया है इसके अंदर मैंने कुछ वीडियोस को हटा दिए हैं। जो JEE का कोर्स खरीदेगा उसको नीट के सारे वीडियो अपने आप वहाँ मिल जाएंगे, प्लस कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस मिलेंगे। तो जो नीट का कोर्स है उसको मैंने स्पेशली इसलिए डिज़ाइन किया है जहाँ पे मैंने सिर्फ उतने ही कॉन्टेंट को रखा है जितना सिर्फ नीट के लिए ज़रूरत है। अब कॉन्टेंट रखा मतलब ये कोई क्रैश कोर्स नहीं है, ये थ्योरी कोर्स है। जैसे आप एक कोचिंग क्लासेस में जाके पढ़ते हो जहाँ पे एक टीचर आके आपको 7-8 घंटे पढ़ा के एक चैप्टर चला जाता है, तो आप उसी तरीके से जब आप इस कोर्स को लोगे तो आपको यहाँ पे कंप्लीट सॉलिड स्टेट आपको डिटेल में मिलेगा, हर एक बारी कितना मिलेगा। फिर एक थर्ड कोर्स आता है जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने मुझे क्वेश्चन पूछा कि सर ये थर्ड कोर्स क्या है, बेसिक्स टू एडवांस, मतलब ये कुछ नया है क्या, इसमें कुछ कंटेंट नया मिलेगा। सो देखिए बहुत बार क्या होता है, जो बच्चे IIT JEE नीट की तैयारी कर रहे हैं, जब वो आगे चले जाते हैं तो वो बहुत अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, जैसे ओलंपियाड्स की तैयारी करते हैं, JEE एडवांस की तैयारी करते हैं, और भी जो हायर लेवल के जो सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री होता है, अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जो हम इंडिया में देते हैं अपार्ट फ्रॉम IIT JEE एंड नीट के अलावा भी जो और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, जो मेरे साथ पे मेरे चैनल पे जितने स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं जो अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को आपको अगर प्रिपेयर करना, नॉट ओनली कॉम्पिटेटिव एग्जाम को प्रिपेयर करना, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्यूशंस में पढ़ाते हैं, पढ़ाने के लिए उन्हें पढ़ना होता है, दे वांट समथिंग जहाँ से वो पढ़ सकें। जैसे मेरे साथ बहुत बच्चे BSc MSc के जुड़े हुए हैं जो कहीं पढ़ाते हैं कोचिंग क्लासेस में जाके, जो यहाँ वहाँ टीचिंग करते हैं, दे वांट सम गुड कॉन्टेंट जहाँ पे बेसिक से लेके एडवांस तक। मेरे पास बहुत सारे कुछ बार मैसेज आते हैं, सर ऐसा कुछ पढ़ाइए, ऐसा कोई जगह बताइए, ऐसी कोई किताब बताइए जहाँ बेसिक से एडवांस तक पढ़ सकें। तो देखिए ऐसी तो कोई किताब है नहीं। अब मैं बहुत बार पूरी शर्मा पठानिया रेफ़र कर देता हूँ, मैं बहुत बार KS वर्मा रेफ़र कर देता हूँ। अब KS वर्मा की प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पे सिर्फ 11-12 तक का सिलेबस है जो कि JEE मेंस के लिए ज़रूरी है। पूरी शर्मा पठानिया रेफ़र करता हूँ तो उसमें एडवांस लेवल का आ जाता है। तो वी डोंट हैव अ बुक जहाँ पे एंटायर सॉलिड स्टेट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल डाला जाता हो। तो यहाँ पे जो मैंने ये कोर्स डिज़ाइन किया है, नाम ही अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि बेसिक्स टू एडवांस का मतलब है कि यहाँ पे एंटायर सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री कवर किया जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम। अब मुझे स्पेसिफाई करना ज़रूरी है क्या कि ये इस कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए है, उस कॉम्पिटेटिव, तभी आप उसको देखोगे, तभी आप उसको पसंद करोगे। इट्स फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम, बेसिक्स टू एडवांस। इसके पीछे का आइडिया ही यही था कि हम बहुत बार अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए कोर्सेस लेते हैं, तो ये नाम के झंझट में ही नहीं पढ़ना है। हमें कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम का नाम ही नहीं लगाना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि सॉलिड स्टेट पढ़ना है। और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ,
मैं गारंटी देता हूँ इस कोर्स को पढ़ने के बाद जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, आप उसको जाके दे सकते हो। एंड नॉट इवन दैट, इंटरव्यूज में बैठोगे आप, कहीं पढ़ाओगे आप, टीचर बनोगे आप, कहीं जाओगे, तो ये कोर्स ऑल इन वन है। प्राइस सेम है फिलहाल के लिए क्योंकि हमारा ऐप लॉन्चिंग प्रोसेस में है, हमने लॉन्च किया है, प्राइजेस फिलहाल के लिए सेम है। आई होप आपको प्राइजेस में आने वाले टाइम में प्राइजेस इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक ये कोर्स नहीं लिया है, अगर आप लेना चाहते हो, आप कुछ देखो किसी को फोर्स नहीं किया जाता कि नहीं लेना ही है, आपको करना ही है, ये सब मैं बता रहा हूँ कि किस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा। तो ये कोर्स एक कंप्लीट पैकेज होगा जिसके बाद आपको कहीं और जाके किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सॉलिड स्टेट को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ यहाँ से मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप नोटिस करो क्या क्या और चीज़ें मिलने वाली हैं, एक लास्ट मोमेंट रिवीजन नोट्स आपको मिलेगा। अब आप लोगों ने अगर देखा होगा जो मेरे नोट्स बनाने का तरीका होता है, मैंने सॉलिड स्टेट का एंटायर लास्ट मोमेंट का रिवीजन नोट्स बना के रख दिया जो आपको यहाँ पे साथ में तीनों कोर्सेज में आपको फ्री मिल जाएगा। उसके साथ असाइनमेंट्स आपको मिलेंगे, IIT JEE में और नीट में मैंने अलग अलग असाइनमेंट्स रखे हुए हैं, आपको चार चार असाइनमेंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे, चार यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, प्लस उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे कि किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे बड़ी बात यह है न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आपको मिलेगी, बीच बीच में जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम कर रहे हैं, हमने न्यूमेरिकल्स बीच बीच में सॉल्व किया। अब सॉलिड स्टेट एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, लास्ट में आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। इट्स नॉट लाइक सॉल्यूशन कॉलिगेटिव या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की थोड़ा पढ़ा न्यूमेरिकल सॉल्व किया, थोड़ा पढ़ा न्यूमेरिकल सॉल्व किया। तो हमने यहाँ अप्रोच क्या रखा, पहले आप पूरा पढ़ लीजिए, पूरा इमेजिनेशन ले लीजिए किसका कहाँ किसके साथ क्या रिलेशन है, पर लास्ट में फिर हम आपके लिए न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे। हाँ, एक और बात, जो बच्चा बेसिक्स टू एडवांस का कोर्स लेगा उसको JEE के असाइनमेंट भी यहाँ मिलेंगे और नीट के असाइनमेंट भी मिलेंगे। तो ये कंप्लीट पैकेज है, तो 200 रुपीज़ में आपको एक कंप्लीट पैकेज मिल रहा है सॉलिड स्टेट का पढ़ने के लिए। लाइफ में आपको दोबारा कभी कहीं से सॉलिड स्टेट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना मैं कॉन्फिडेंटली आपको कह सकता हूँ, और ये मेरा कॉन्फिडेंस आया है 9 साल के एक्सपीरियंस के बाद। अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये जो डिस्काउंट आपने अभी दे रखा है ये डिस्काउंट कब तक रहेगा, देखिए ये बहुत लिमिटेड पीरियड तक रहेगा। इस डिस्काउंट के बाद जैसे ये डिस्काउंट खत्म हो जाता है उसके बाद आप लोगों के लिए एक स्पेशल ऑफर ये है कि अगर आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, जैसे आप किसी कोचिंग क्लास में पढ़ते हो, आपकी कि हाँ वहाँ पे टीचर ने अगर ढंग से नहीं पढ़ाया, आप चाहते हो कि आप सॉलिड स्टेट पढ़ना चाहते हो मेरे से, तो अगर आप 15-20 का आपका ग्रुप है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, आप में से कोई भी एक मुझे कांटेक्ट कर सकता है। कांटेक्ट कैसे करोगे, केमिस्ट्री अनटोल्ड का जो इंस्टाग्राम है आप वहाँ जा सकते हो, ऑप्शन नंबर वन। ऑप्शन नंबर टू है कि आप मुझे ऐप पर ही पर्सनली मैसेज कर सकते हो डाउनलोड करने के बाद कि सर ऐसे ऐसे है हम करना चाहते हैं। तो आपके 15-20 के ग्रुप में से कोई भी एक स्टूडेंट अगर मुझे मैसेज करता है कि सर हमारे कोचिंग क्लासेस में ढंग से नहीं पढ़ा है, हम आपसे पढ़ना चाहते हैं, और फिलहाल मैं उन स्टूडेंट्स को भी कहूँगा, देखिए मुझे किसी कोचिंग क्लासेस या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से दुश्मनी नहीं है, आप कहीं भी पढ़िए, आप किसी भी XYZ कोचिंग क्लासेस में पढ़िए, अगर कभी कभी होता है कि हम वहाँ सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, हमें वहाँ पे कोई टॉपिक का ढंग से नहीं पढ़ाया जाता, कोई टीचर होता है मे बी शायद उसने वो उतना अच्छे से नहीं पढ़ाया, हम पढ़ना चाहते हैं, हम कहीं और जाना चाहते हैं, बट हम इसलिए झिझकते हैं क्योंकि उतनी ही फीस दोबारा कहीं और देनी फिजिबल नहीं होती। अगर मैंने कहीं ऑलरेडी 10,000 पे किया है, मैं किसी और कोचिंग क्लास में जाके ऑनलाइन या ऑफलाइन में उतना पे नहीं कर सकता। तो ये इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे पास है, आप आइए मेरे पास, आपको एक चैप्टर पढ़ना है, आप एक चैप्टर के लिए ही कोर्स लीजिए, आपको एंटायर फीस मुझे पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है जो मैं आपको दे रहा हूँ, और हर एक कोर्स की वैलिडिटी मैंने 1 साल रखी है, फिर वो JEE का हो, वो नीट का हो, वो बेसिक्स टू एडवांस हो, कोई भी कोर्स हो, उसकी वैलिडिटी मैंने 1 साल रखी है। तो जब आप मेरे स्टोर पे आओगे तो आपको नंबर ऑफ चैप्टर्स मिलेंगे, जैसे लाइब्रेरी होती है, आपको क्या पढ़ना है आप उसमें से सिलेक्ट कीजिए, और ज़रूरी नहीं है वो आपको आज ही लेना है। आज आपको लग रहा है कि मेरे पास 200 रुपीज़ ही हैं या मेरे पास 400 रुपीज़ ही हैं, मैं 2 चैप्टर लेना चाहता हूँ, आप अपनी मर्जी के 2 चैप्टर्स को उठा लीजिए, उनको पढ़ लीजिए, और उसके बाद आप आने वाले मंथ में या नेक्स्ट मंथ में या उससे अगले मंथ में अगले चैप्टर्स ले सकते हैं। तो जो ग्रुप स्टूडेंट्स होंगे वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये डिस्काउंट खत्म होने के बाद मैं आपको वहाँ पे ग्रुप डिस्काउंट्स दे दूंगा। अब इस कोर्सेज में आपको क्या मिलेगा ओवरऑल मैं बता रहा हूँ, बेसिक्स टू एडवांस में आपको क्या मिलने वाला ओवरऑल, मैंने यहाँ पे क्या क्या पढ़ाया है, क्या क्या सॉलिड स्टेट में कवर किया, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। इंट्रोडक्शन मैंने लिया हुआ है क्रिस्टलाइन अमॉर्फस के बारे में, वीडियो नंबर 1 है, ऑलमोस्ट 50 मिनट का है। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मैंने बनाए हुए हैं, आयोनिक मॉलिकुलर मेटेलिक कोवेलेंट्स, ट्रस्ट मी मैंने यहाँ पे हर एक चीज़ को इतने अच्छे से डिस्कस किया है, मेटेलिक सॉलिड वाला मेरा वीडियो देखिएगा, मैंने बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस किया है। यूनिट सेल डिफरेंट टाइप्स के 14 लटाइसिस कौन से होते हैं, कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, उनका सारा स्ट्रक्चर मैंने डिस्कस किया है। सिमेट्री एलिमेंट्स ये इंपॉर्टेंट है, जो हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं स्पेशली JEE मेंस और एडवांस में। फिर ऑल अबाउट क्यूब्स, क्यूब्स की हर एक चीज को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम देयर कॉर्नर, फेस, एज, सेंटर शेयरिंग, बॉडी डायगोनल, फेस डायगोनल, एंड सिर्फ फॉर्मूला नहीं दिया है मैंने, बकायदा डेरिवेशंस करके बताया कि ये चीज कहाँ से आती है। ऑल अबाउट अ सिंपल क्यूब, अब सिंपल क्यूब में नंबर ऑफ पार्टिकल, कोऑर्डिनेशन नंबर, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, तो एक ही वीडियो में सब कुछ कवर कर दिया।
आपको एक वीडियो देखना सिंपल क्यूब कवर हो जाएगा, फिर बॉडी सेंटर क्यूब, फेस सेंटर क्यूब ऐसे कवर हो जाएगा, हेक्सागोनल क्यूब, मैं ट्रस्ट मी कहता हूँ आप एनसीईआरटी की किताब उठा के देख लीजिएगा, आपको हेक्सागोनल क्यूब के बारे में वहाँ इतना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से उन्होंने पढ़ाया हुआ है, समझ में ही नहीं आता वो ए बी पैकिंग क्या होती है, ए बी सी पैकिंग क्या होती है। तो आपको यहाँ मैंने पूरा डिटेल में डिस्क्राइब कर दिया, इसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको बहुत हलवा लगेगा। सेकंड, डेंसिटी ऑफ ए क्यूब, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं। कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं। इसके बाद अगर मैं बताऊँ ऑल अबाउट वॉइड्स, वॉइड्स के बारे में मैंने बकायदा इमेजेस डाल के दिखाया हुआ है कि वॉइड्स कितनी होती हैं। क्लोज पैकिंग मैंने बहुत अच्छे से बताई है। अब इसमें से कुछ टॉपिक्स जो हैं वो नीट में नहीं होंगे, क्योंकि नीट को मैंने उतना ही टॉपिक्स दिया जितने की नीट को ज़रूरत है, आपको अनवांटेड टॉपिक देके मैंने परेशान नहीं किया है। फिर रेडियस रेशियो रूल का बकायदा मैंने डेरिवेशंस करके बताया किस तरीके से होता है, कैसे होता है। हमने वॉइड्स को देखा है सिंपल क्यूब में, बीसीसी में, एफसीसी में, एचसीपी में वॉइड्स कहाँ होती हैं। अब इसके सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके बाद है स्ट्रक्चर्स। मैंने NaCl, सीजियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, कैल्शियम फ्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड, टिटेनियम ऑक्साइड, कैडमियम आयोडाइड सब कवर करे हैं। उसके बाद स्पिनियल कंपाउंड, डायमंड स्ट्रक्चर, कोरंडम, परवॉक्साइड, निकल आर्सेनाइड। अब देखिए ये सारे स्ट्रक्चर्स हर जगह नहीं है, और जो बेसिक्स टू एडवांस वाला है उसमें तो सब कुछ मिलेगा, उसमें मैंने कुछ नहीं हटाया, उल्टा उसमें आने वाले टाइम में मैं और बहुत कुछ डालने वाला हूँ। मतलब जितनी भी हायर लेवल की चीज़ें होंगी वो सारी उस कोर्स में टाइम टू टाइम उसके अंदर ऐड होती जाएंगी। फिलहाल उतना सब कुछ है जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कर सकते हो। बॉन लांडे इक्वेशन का बकायदा डेरिवेशन करके बताया, मिलर इंडाइसेस एंड वीस इंडाइसेस का जो मैंने वीडियो बनाया वो बहुत सुपर है, देखना उसे। अंडरस्टैंडिंग प्लेन्स इन क्यूब्स, ये बहुत अच्छा वीडियो है, ये तो मैंने इवन यूट्यूब पे भी डाला हुआ है। इंटरप्लेनर डिस्टेंसेस के बारे में, ब्रैग्स लॉ एंड इंटरप्लेनर डिस्टेंस डिफेक्ट्स इन सॉलिड, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी का पूरा वीडियो बना दिया है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का वीडियो बना दिया है, डिफेक्ट्स मैंने बकायदा बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करी हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये कोर्स ज़रूर देखा होगा जाके, अगर आपने नहीं देखा तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दे रहा हूँ, प्लीज़ उस लिंक पर जाके क्लिक कीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि इस कोर्स को आप शेयर करो मैक्सिमम लोगों तक। आने वाले टाइम में जो अगला मेरा कोर्स है वो मैं रिलीज़ कर रहा हूँ, दैट विल बी ऑल अबाउट सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव, एंड ट्रस्ट मी बहुत मेहनत करी है मैंने इसके ऊपर, सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव। अब इसके भी तीन कोर्सेस आएंगे, सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिपेंडिंग अपॉन जेई में कितनी रिक्वायरमेंट है, नीट में कितनी रिक्वायरमेंट है, एंड ट्रस्ट मी दिस इज गोइंग टू बी अ सुपर कोर्स। इसमें तो बीच बीच में न्यूमेरिकल्स भी हमने सॉल्व करें, तो इसका वीडियो मैं बकायदा बाद में बना के आपको बता दूंगा कि इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है। प्लीज़ डू शेयर एंड कीप लविंग मी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।